हमारा चैनल मोनेटाइज के लिए जा चुका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्तों को रमजान का पहला रोजा मुबारक हो दिल की गहराइयों से, और उनके लिए स्पेशल जो मेरे वीडियो पे रोजाना कमेंट करते हैं और मेरा हाल पूछते हैं, उसने हमारे दिल में जो है ना जगह बना ली है, तो उनके लिए स्पेशल स्पेशल रमजान मुबारक हो। और उनको हमारी फिक्र भी है कि यार मो चैनल का क्या हुआ है, तो उनके लिए जी खुशखबरी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल मोनेटाइज के लिए जा चुका है माशाल्लाह। एक दो दिन में पता लग जाएगा, जब मोनेटाइज हो जाएगा तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों की मोहब्बत है कि इस मकाम पर आप लोगों ने जो ना हमें पहुंचा दिया है। तो एक और बात मैंने आपसे कही थी यार, हमने कुछ दरख्त काटने थे, लेकिन वो काटने वाला सीन मैं आपके साथ शेयर इसलिए नहीं किया कि यार मुझे भी दुख हुआ था कि यार बहुत गमगीन था, बहुत गमगीन, लेकिन माशाल्लाह उसके जगह हमने और शजरकारी कर दी है माशाल्लाह, वो आपको दिखा देता हूँ। चलो वो खुशी की खबर है यार, और आज की अफ्तारी भी इंशाल्लाह आपके साथ करेंगे, जबरदस्त करेंगे और दुम धड़ाके से करेंगे। रोजा जी यार मुझे भी चढ़ा हुआ है, लेकिन आपके साथ खुशी से बात करना जो है ना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं जो है ना इस तरह से बोल रहा हूँ ताकि आप लोग खुश हो जाएं। अभी जो है ना मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ, ये जो है ना चेक करो आड़ू लगे हुए हैं माशाल्लाह। और आपने वीडियो में देखा होगा जी कि यहाँ पर बड़ा सा दरख्त था, अभी जो छोटा नन्ना मुन जामन का दरख्त जो है ना यहाँ पे हमने काश्त किया है, जामन आएंगे, जूस भी बनाएंगे और मजे उड़ाएंगे, और बाहर भी हमने कुछ लगाया है, वो दरख्त भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जाओ आओ आओ जी, आओ जी यार वो भी दिखा देता हूँ माशाल्लाह। और ये है जी एक दो चार पाँच छह सात दरख्त जी हमने यहाँ पे काटे थे और लगा लिए है 14 माशाल्लाह। ये हुई ना खुशी की बात, 7 गए 14 आए, मजे की बात है ना। और घर पे चलते हैं, वहां पे अफ्तारी का काम जो है ना वो चालू है, तो इंशाल्लाह ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। बच्चों के काम चेक कर लो यार, छोटी वाली जो है ना वो बगा रही है साइकिल को, और बड़ी वाली जो है ना उसके ऊपर बैठी है। ये है ये देख, और दो है जी इस तरफ माशाल्लाह, दिखा नहीं सकते क्योंकि सरप्राइज है हमारे लिए भी और आपके लिए भी, जब बैठेंगे दस्तरखान पे तो उधर ही पता चलेगा कि क्या है यार। ओ यार अफ्तारी में काफी टाइम है और मुझे लगी है काफी प्यास माशाल्लाह जी, गंदम काफी जबरदस्त हुआ है, लेकिन वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है हर बंदे का नाम। यार रोजा जो है ना मुझे चढ़ा हुआ है और प्यास भी जबरदस्त लगी हुई है, पता नहीं आपको प्यास लगी होगी कि नहीं, अगर नहीं लगी तो चलो आपको भी प्यास लगाते हैं यार। ओए होए हो, ये है फ्रीज चटनी जी, फ्रीज चटनी, मुंह में पानी आ गया ना जी, तो पानी भी डालते हैं। ओए माशाल्लाह, अजान चालू है तो दुआएं मांगते हैं अभी, और फिर जो है ना स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह जी ये है फ्रीज चटनी, और ये है जी सादा चावल, और ये है जी साग, ये है जी सालन, और खजूर से जी शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये है जी मकई की रोटी माशाल्लाह, तो इसे साग। माशाल्लाह चावलों के ऊपर रायता डालेंगे जी, लाजवाब। तो यार अभी बस भी करते हैं, कैमरामैन के भी रोजा है कहीं हाथ ना डाले। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहली अफ्तारी तो हो गई है, काफी मजा आया। अब सेकंड सहरी के लिए जी उठे हैं, खुद भी उठे हैं और लोगों को भी उठाएंगे, तो जी पीछे पीछे जा रहा हूँ मैं, और आगे आगे जी जा रहा है मेरे वाले साहेब। ये अभी दरवाजा खोलेंगे जी, और मस्जिद भी माशाल्लाह काफी नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। तो जैसे ही मैं अपने घर से निकलता हूँ
तो मेरा एक कदम जो है ना वो घर में होता है और दूसरा मस्जिद में। चेक कर लीजिए, और ये जी मस्जिद में जी मस्जिद में दाखिल हो गए और वालिद साहब ने जी स्पीकर को दिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دي مايزت منا شكسا بايدارسا دي پاشمي تيم دا خوراكشاك انتظامات وكو تو ما شاء الله جي लोग भी उठ जाएंगे और हम तो वैसे भी उठे हैं। अभी जो है ना खाने पीने का जी थोड़ा सा बंदोबस्त कर लेते हैं और मोबाइल के लाइटों के वगैरह से जो है ना मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। माशाल्लाह अभी दोबारा अपने कैमरामैन साहब को जी उठा लेते हैं। इतना काम तो हमने जी कर लिया है, वो भी थोड़ा सा संभाल ले यार। अरुण खान सुनेंगे माशाल्लाह ये भी उड़ जाएगा अभी। माशाल्लाह दो दिन हो गए हैं कि बिजली जबरदस्त आ रही है। माशाल्लाह पे बन रही है रोटी, चेक कर ले यार। और दूसरी तरफ बन रही है जी चाय, स्टार्ट है जी, लेकिन हम बनाएंगे डबल रोटी। तो माशाल्लाह जी तवे को आग पर रख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी बड़ी बड़ी डबल रोटियां है जी, ये वाली चेक कर लो जी, जबरदस्त। यहूदी जो थे ना वो सहरी नहीं करते थे, सहरी का नामो निशान नहीं था, रोजा रखते सहरी नहीं करते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे और यहूदियों के दरमियान फर्क ही सहरी का है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया सहरी खाया करो, सहरी खाने में बरकत है। और अगली बात सुननी आपने तो खुश हो जाना है, सहरी को मामूली ना समझे, सहरी करना इबादत है। हाँ हाँ, आप मत समझें कि मैं रोटी खा रहा हूँ, ये तो मेरे सामने दही रखा हुआ है, ये तो सालन रखा हुआ है, ये तो अचार रखा है, तो चपातियाँ रखी हैं, सहरी खाना इबादत है। आप सुबह उठे, आपकी तो रूटीन ही और थी, तो 7 बजे खाते थे, 9 बजे खाते थे, ये जो आप सुबह खा रहे हैं उठ के सहरी में अपनी मर्जी से थोड़ी खा रहे हैं, ये तो किसी के कहने से खा रहे हैं, ये तो किसी के बिठाए बैठे हैं। ये जो सहरी का लंगर है ये रब रसूल की रहमत के साथ अता होता है, ये करम है, ये अल्लाह रसूल के बिठाए बैठे। क्या मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने बात खोली है तरगीब व तरहीम में, हदीस है, अल्लाह करे ये कभी चस्का लग जाए, ये वाला मजा आ जाए, तो फिर तो घर में दस्तरखान नहीं बिछा हुआ होगा, फिर तो रंग ही कोई और होगा। हुजूर फरमाते अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं। खाई रोटी जा रही है, पका हुआ खाना है, लेकिन हुजूर फरमाते रब भी रहमतें फरमा रहा है और अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते भी रहमतों का नुज़ूल कर रहे हैं। तो माशाल्लाह जी वजू कर लिए हैं और तैयार हो गए हैं। और हमारे इलाके में रोजा कैसे बंद होता है, अभी दोबारा वाले सा गए हैं मस्जिद में और नारा लगा रहे हैं, सुन लिया जी, ऐसा होता है रोजा बंद होने का जी हमारे इलाके में, ऐसा पोजीशन होता है, लेकिन ये है पश्तों में। और आप जानते हैं उर्दू में कह रहे कि खुराक और खाने पीने की चीजें बंद करो, टाइम बिल्कुल जी खत्म है, उसके बाद जी अभी अजान भी होगा, तो 15 मिनट बाद फौरन जी बजमात नमाज अदा करेंगे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी अजाने भी शुरू हो गई है माशाल्लाह। तो नमाज पढ़ते हैं उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा रोजा शुरू हो चुका है और वो भी बारिश के साथ, माशाल्लाह जबरदस्त बारिश हो रही है और मौसम जो है ना वो ठंडा हो गया है फिर से।
सर्दियां मर्दियां फिर से आ गई वापस, इंशाल्लाह रमजान ठंडा आ जाएगा। और आपके इलाके में बारिश है क्या नहीं, आपने कमेंट लाजमी करना है जी। और आपका रोजा कैसा जा रहा है इसके बारे में भी आपने हमें बताना है कि आपका रोजा कैसा जा रहा है। हमने तो सब कुछ जो है ना आपके साथ शेयर कर दिया है, अब आपकी बारी है कि आपका क्या हाल है, तो वो भी हम जानना चाहते हैं।